Exomatotype is three categories of dividing the size shape of the person. इसे शेल्डन भी बोलते हैं, ठीक है ना, शेल्डन थ्योरी के अंडर भी ये आता है. इसमें हमने एंडो, मेसो और एक्टो किया है, जिसमें से बेस्ट जो है वो मेसो वाला होता है. ठीक है, मेसो टाइप ऑफ पीपल आर, दे आर गुड इन हेल्थ, अच्छे एंडोरेंस होती है, वर्किंग उनकी अच्छी होती है, फैट की अक्यूमुलेशन होने पर इन जल्दी वो डिक्रीज भी हो जाती है. वेयर एज जो एक्टो वाले हैं वो स्लीन लीन होते हैं, थिन होते हैं, स्लेंडर शेप के होते हैं, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पतला होता है, एंड दे आर गुड एथलीट, लेकिन उनके एंडोरेंस पर और उसका प्रॉब्लम रहती है. और जो एक्टो हैं दे आर जस्ट लाइक अ पियर शेप, ठीक है, नेक छोटा होता है, चिन डबल होती है, हाइट ज्यादा नहीं, मिडिल सम होती है, उनमें कोई भी काम करने की, क्योंकि फैट जो है वो जल्दी उन पर लगता है और निकलता लेट है, इसलिए जो मेसो वाले हैं इन तीनों में से वो मच बेटर हैं. अब हम करते हैं हेल्थ रिलेटेड जो टेस्ट हैं, इन्हें हम जनरल मोटर टेस्ट भी कहते हैं. ठीक है बेटा, टू चेक द फिटनेस ऑफ अ पर्सन. जैसे आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि जो कॉम्पोनेंट्स है बेटा, फिटनेस कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं बच्चे, फिटनेस कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं बताए हुए हैं. हर्षित आपको याद है बेटा? हाँ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वगैरह जो है, ठीक है ना, मसल की स्ट्रेंथ है, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ के अंडर पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ आती है, स्पीड आती है, एंड्योरेंस आती है, और क्या रह गया, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, हाँ जी, और गुड. और उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन अ बॉडी. हमने ये पढ़ा है, आज हमने ये करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्पफुल होती हैं, या कौन कौन से हमने करनी होती हैं एक्सरसाइजेस टू चेक द स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवेस्कुलर या रेस्पिरेटरी, एरोबिक्स, ये सारी चीजें हम क्या चेक करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा जो पहला टेस्ट है दैट इज पार्शियल कर्ल अप. अब ये क्या चीज है, ये कभी नाम सुना है, जो जिम में जाते हैं उन्होंने तो आई होप सुना ही होगा. ये क्या चीज होती है बेटा, पार्शियल कर्ल अप क्या होता है, कभी किया है बॉयज ने, किया होगा, क्यों नहीं किया है, नाम नहीं पता, अच्छा फिर ये बता देती हूँ. नॉर्मली ये एब्डोमिनल के मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है. एब्डोमिनल के मसल्स को कैसे चेक कर सकते तुम, वेरी गुड, हाँ बैक पे करके क्या करोगे, ठीक है ट्राई करें, दिस इज वेरी गुड. हाँ, टेक अ मैट और समथिंग फ्लैट ऑन द फ्लोर, ठीक है, डायग्राम नहीं देखना है, समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा ना तुमको, मैडम ने तो डायग्राम ही बहुत खूबसूरत बनाया है, ठीक है. हमारी बॉडी जो है वो पहले सीधा लेते हैं, पुट योर हैंड्स बिहाइंड द नेक, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने अपनी बॉडी को अप करना होता है, यहाँ तक लाना, इससे क्या है हमारा प्रेशर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, टू चेक द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन. लेट कर हाथ पीछे करके और जो घुटने हैं बुटक्स हैं उनको नियर टू द हिप लाना, सॉरी जो फीट हैं उनको क्लोज टू उसके लाना है, और उसके बाद हमने हाथ या यहाँ पर रख के या यहाँ रख के, ताकि सपोर्ट जो है वो ना ले सके हम दीवार, और उसके बाद हमने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना होता है, ठीक है. दिस इज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों के एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है, और इनकी एंड्योरेंस पावर. ये है हमारा पहला मोटर फिटनेस टेस्ट. ये सीक्वेंस वाइज टेस्ट याद होने चाहिए. इसमें क्वेश्चनिंग आ सकती है कि एब्डोमिनल टेस्ट मसल्स टेस्ट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है,
नेम या इसका प्रोसीजर लिखो या पर्पस लिखो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये जरूरी है। अब दूसरा जो है, हाँ नहीं है तेरे को भी नहीं है पेपर, मैंने एक ब्रांड है तू गड़ा करना है। नेक्स्ट है ये, फर्स्ट है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। जो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट है वो किसके लिए होता है बेटा, अभी बताया मैंने, बताओ। हाँ, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को चेक करने के लिए होता है। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट किसके लिए होता है, टू चेक द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। दो बारी बोल लो तुम्हें यही याद हो जाएगा, तुम्हें दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास में अगर अटेंटिव रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, टू मेजर द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। क्लियर हो गया बेटा, इतना याद हो गया। अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट के अंडर कौन सा होता है, ये फर्स्ट सेकंड टेस्ट है। नेक्स्ट है पुशअप्स। अब पुशअप तो पता ही होगा बॉयज को, पुशअप क्या होता है, क्या होता है बेटा पुशअप, बताओगे यहाँ पे लिखो। अब पुशअप क्या होता है ये तो बता दे पुलकित बेटा, कि क्या होता है पुशअप्स, कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ, मतलब कि हाँ हैंड है ना, उल्टे लेट कर, ड्राइंग नहीं देखनी है, पर्पस समझाने का है, पहले बता दूं, ये मत कहना ड्राइंग बहुत अच्छी है इतनी है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने उल्टे लेटना, आओ बना प्लीज, आइए वेलकम, लग ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने उल्टा लेटना है, आवर फेस या सुपाइन पोजीशन में, हमने नीचे की तरफ देखना है, हमारे हैंड्स जो हैं शोल्डर लेवल के हिसाब से रखने हैं हमने, और अपनी बॉडी को अप करना है और डाउन करना है। पुशअप्स जो हैं वो बॉयज के लिए हैं, इसमें अब गर्ल्स के लिए, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा बॉडी में डिफरेंस होने के कारण गर्ल्स के लिए जो होता है दैट इज सेम टेस्ट जो है सेकंड नंबर पे, ये बॉयज के लिए बेटा या मेल के लिए है, और गर्ल्स के लिए जो होता है उसे मॉडिफाइड पुशअप। अब इसमें क्या किया जाता है, उल्टा लेटकर घुटनों के बल, दिस इज अ डायग्राम, ये शायद तुम्हारी बुक में ना हो, मैं एक बार, ये गर्ल्स का है पुशअप, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, घुटनों के बल लेटना है और घुटने ऊपर करके बैक से फोल्ड और पुशअप्स करने हैं, क्योंकि हाफ पोर्शन रहेगा ना, लेग्स तक का फुल पोर्शन है, उस पूरी बॉडी को उठाना गर्ल्स के लिए कई बार मुश्किल होता है, या स्ट्रेंथ ऑफ द जो आर्म्स है कंपैरेटिवली, दिस इज नेचुरल थिंग, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता है, यहाँ पर जो नेचुरल थिंग्स है गॉड गिफ्टेड वहां पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए गर्ल्स का जो पुशअप्स होता है उसे मॉडिफाइड पुशअप्स कहते हैं, ठीक है, और उनके करने का तरीका भी कंपैरेटिवली अलग होता है। अब ये क्या है, ये हमारे अपर बॉडी पार्ट को, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ और मसल्स को और एंडोरेंस को चेक करता है ये, ठीक है, ये टेस्ट इसके लिए होता है। अब तीसरा जो टेस्ट है इसमें, दैट इज 600 मीटर्स रन है या वॉक, दोनों में से एक चीज होती है, ठीक है बेटा। अब 600 मीटर में क्या आएगा, ट्रैक कितने मीटर का होता है, 400 मीटर, तो 600 कितना हो गया, डेड ट्रैक, एक पूरे ट्रैक का और उसके बाद एक हाफ ट्रैक, उसमें हमने कंटिन्यू या रनिंग करनी है या वॉकिंग करनी है विदाउट एनी स्टॉपेज, दैट इज फॉर टू चेक द एंड्योरेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की एंड्योरेंस को चेक करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमेशा एंड्योरेंस में कॉन्टिन्यूटी रहती है, पेस स्पीड जो है वो भी एक जितनी होनी चाहिए,
तभी नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज या कोई भी वार्म अप करवाते हैं ना बच्चों को, या जब लेके जाते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो सकता है हम फाइनल तक चले जाएं या आपको एक बारी, तो उसमें क्या होता है कि वार्म अप करवाने के टाइम में या इसमें ये पहले कहा जाता है कि यू हैव टू कीप योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस रिजर्व, या हमारी बॉडी में इतना कोटा रखा जाता है कि हमें जब इमरजेंसी होती है हम अपनी स्टोर्ड बॉडी को में एनर्जी जो होती है उसे यूज करते हैं। तो इसके लिए एंडोरेंस जो है वो सेम पेस पे जब हम करते हैं तो वो क्या रहता है हमारे लिए, वो हमें हेल्पफुल होता है हमारे वॉक को प्रोलॉन्ग करने में, कॉन्टिन्यूशन में लाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आपको हम बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं चल काम कर ले, कई होते हैं हमारा स्पीड से 2 मिनट बाद यहाँ दुख रहा है बस कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। कई बच्चे होते हैं वो पेशेंटली कंटिन्यू काम को काफी घंटों तक विदाउट फीलिंग फटीग वो काम को, या होने के बावजूद भी वो इजिली कर लेते हैं। रीजन बींग्स देयर एंड्योरेंस पावर इज फार फार बेटर देन अदर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हमारी बॉडी के ट्विच जो हैं, मसल्स जो हैं, वाइट मसल्स और दूसरे जिसे हम लो ट्विच या फास्ट स्विच कहते हैं, ये हमारे हेरिडिटरी या जीन्स के थ्रू है कि हमारे काम करने का तरीका, हमारी हर चीज का तरीका उस पर डिपेंड होता है। कई लोगों को हर काम करने में जल्दी रहती है, कई लोगों को हर काम सहजता से आराम से और सही तरीके से करने में होता है। ठीक है ना, ये है हमारा थर्ड टेस्ट टू चेक द एंड्योरेंस ऑफ द हॉर्स। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है हमने। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, हाउ कैन वी चेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, इसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट। हां जी बच्चा लिख मेरा सिट एंड रीच टेस्ट यहाँ पे ऊपर लिख देते हो। ये तुम्हारे खेलो इंडिया प्रोग्राम में भी ये सारे टेस्ट हैं, ये बता दूं, और ये टेस्ट तुम्हारे लिए कंपलसरी है। और अभी तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो मैंने बताया कि 16 गेम्स हैं वो सारा, ये फर्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज नहीं लेकिन अलग अलग पैटर्न्स हैं जो हर बच्चे के लिए जरूरी हैं। ठीक है, और अगर वहां पर जाओगे ना तुम जिमनास्टिक हॉल में, तो वहां पर बैटरी टेस्ट लिखे हुए हैं वो चेक करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ खेलो इंडिया टेस्ट, वो तुम्हें आगे करवाया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा कि कैसे करते हैं। अब ये सिट एंड रीच टेस्ट क्या है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है उसे बिठा दिया जाता है बेटा। ठीक है, उसके आगे एक बोर्ड होता है, एक्सटेंडेड बोर्ड होता है, उसके पैर जो है वो बिल्कुल सीधा उसके अंदर, मान लो अगर आप दीवार पे हो, ठीक है, दीवार के साथ आपके दोनों पैर लगे होने चाहिए। योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड यू आर सपोज टू टच द बोर्ड। जो वहां पर बोर्ड पड़ा होता है या बॉक्स है उसे तुमने टच करना होता है टू चेक योर फ्लेक्सिबिलिटी, बैक की, लेग्स की, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हैंड की, ये चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? पुल के तनु आ गए बेटे समझ? हैं? हाँ इधर हो जा, आउट है ना मेरा निशाना, मेरे को कंफर्म है कि मैंने सही जगह पर नहीं अभी तेरे को वार्न किया। इज इट क्लियर बेटा? इतना टेस्ट क्लियर है तुम्हें? कौन कौन से क्लियर हो गए? पहला पार्शल है, दूसरा पुशअप है, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड है, तीसरा हमारा कौन सा है, 600 मीटर्स रन और वॉक, और जो फोर्थ वन है दैट इज सिट एंड रीच टेस्ट। अब इसके आगे एक बहुत अच्छा टेस्ट है, वो कौन सा है आपका, वो आपको चेक करवाना है। हमने नॉर्मली जो है ये टेस्ट के अंदर आता है एक रॉक पॉट टेस्ट भी होता है। ठीक है, एक हार्वर्ड टेस्ट होता है, एक रॉक पॉट टेस्ट होता है। समझ में आ गया? नाम सुने कभी इनके? कभी ये नाम सुने थे? जिम में कोई बच्चा जाता है वो भी, उन्होंने भी नहीं सुने हुए ये नाम?
है नेम्स एक्चुअली पता क्या है बेटे, नेम्स जो हैं वो नॉर्मली इन्होंने चेंज कर दिए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आई है कि जिम वाले अपने हिसाब से नेम्स वगैरह देते हैं कई चीजों के, और जो स्टडी लैंग्वेज में हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, हाँ जी करवाए हैं वहां पे। अच्छा, अब इनमें एक टेस्ट होता है हार्वर्ड टेस्ट। बेटा हार्वर्ड टेस्ट जो है वो शायद तुम्हें हम नॉर्मली गेम्स पीरियड में दूसरे पैटर्न से करवाते भी रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। हाँ बेटे चलो खड़े जाओ, आ जाए दा आते सही हमने ही करवा देनी है बेटे, ये तो जब गवर्नमेंट का आएगी ना परमिशन तो तब तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना, उससे पहले तो एवरीबडी इज बाउंड टू फॉलो द प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये हमारे ऊपर तो है नहीं है, यही प्रे होता है डेली कि ये बीमारी जाए और जल्दी सब चीजें नॉर्मल हो, लेकिन इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट परमिशन। ठीक है, हार्वर्ड टेस्ट क्या है बेटा? ठीक है, एक होता है हार्वर्ड टेस्ट, वो क्या है कभी नाम सुना है बेटे? नहीं, उसका एक इजी मेथड हमने रखा है हार्वर्ड टेस्ट को, अगर हम बच्चों को करवाते हैं नॉर्मली। टू चेक द कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, सांस का। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, बॉक्स इस तरीके का बॉक्स होता है। ठीक है, जिसकी विड्थ जो है वो 14 इंचेस की होती है, ओके, और 20 इंचेस हाइट होती है। दिस इज फॉर बॉयज और मेल। ठीक है, बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए जो होता है विड्थ 14 इंचेस, हाइट 16 इंचेस। स्टेपिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करते हैं, जैसे आपको बाहर करवाते थे पैर ऊपर रखो नीचे रखो पैर ऊपर रखो स्लैब पे नॉर्मली करवाते थे, अगर आप इस टेस्ट को घर पर करना चाहते हो तो इट इज इजी वे टू डू ऑन द स्टेयर्स। सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, सीढ़ियां जो है घर की, उसकी फर्स्ट सीढ़ी पर ही हमने एक पैर ऊपर रखना दूसरे को रखना नीचे लाना ऊपर रखना, ये हमारा टेस्ट होता है टू चेक द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करने के या फिटनेस को चेक करने के लिए कि हमारी हार्ट बीट जो है उसका क्या रिजल्ट रहता है। इसके बारे में किसके थ्रू होता है हम हार्वर्ड टेस्ट जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का नाम दिया गया है इसको, इस तरीके से किया जाता है। इसमें है डायग्राम तो देख, ये बुक में कुछ है नहीं खास। हाँ ये देखो बेटा, ठीक है, स्टेप पहला स्टेप जो है इसके ऊपर रखना है, दूसरा रख के नीचे फिर लाना है पहले वाले स्टेप को, फिर दूसरे को लाना है, फिर ऊपर रखना है, ये कॉन्टिन्यूशन में 1 मिनट की। ठीक है, और ये 5 मिनट तक कॉन्टिन्यू करनी होती है, उसमें देखना होता है कि हमारा हार्ट रेट जो है वो कितना अप किया है और कितना डाउन। ठीक है, उसके बाद है रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट, वो हमारी एरोबिक एंड्योरेंस को चेक करने के लिए होता है। एरोबिक और एनारोबिक का मतलब पता है ना बेटे, श्रेया तो सो गई है ना, उसकी तो एरोबिक एनारोबिक हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। यहाँ पे ना दो टेस्ट बताए हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स का, मॉडिफाइड भी होता है और एक वो होता है ना, समझ आएगी चौक मारा के मैं। अच्छा, मारने का फायदा नहीं है, लकड़ वाले नहीं होता तेरे मारने। ठीक है, ओके, इसमें हमने क्या चेक करना होता है, इसमें हमारा नॉर्मली चेकिंग जो है वो एरोबिक एंडोरेंस को चेक किया जाता है। अब एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है बेटे, कोई बताएगा? एरोबिक क्या होता है जो एनारोबिक नहीं होता है? ठीक, नमन आप बताओगे? हैं, हाँ एब्सेंस में होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस चीजों में होता है जिसमें एक बार में ही हमने एनर्जी जो है वो खत्म करनी होती है, जैसे स्प्रिंट्स वगैरह है, जब रेस वगैरह होती है ना उसके बाद हम इमीडिएटली पेट पकड़ के या तेज सांस ले लेते हैं,
क्योंकि स्प्रिंट जो है लगाते हुए, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जिनको हम स्प्रिंट बोलते हैं, उन्हें लगाते हुए हमारा सिर्फ फोकस और कंप्लीशन की तरफ ध्यान होता है और हम एक एक सांस में दौड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की कोई काम करते हैं या बहुत देर के लिए, उसमें हम नॉर्मली जैसे अब बातें करते करते ये करना, ये क्या है? एनारोबिक, सांस भी ली जा रही है, काम भी किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये जो 1 माइल का है ये एरोबिक, नॉट एनारोबिक, एरोबिक एंडोरेंस को चेक किया जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है मील में माइल्स जिसको बोलते हैं, किलोमीटर्स में और मीटर्स में के डिस्टेंस में काफी डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर बेटा? अब आता है हमारे पास कि बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होती है। पढ़ा है बॉडी कॉम्पोजिशन क्या चीज होती है बेटा? क्या होता है बॉडी कॉम्पोजिशन? हमारी बोन्स, मसल्स, फैट्स, बॉडी की वाटर, इस सब चीजों को चेक करना, क्योंकि उसके द्वारा ही हम मोटापा और सारी चीजें अपनी बॉडी की वर्किंग को चेक करते हैं, ठीक है बेटा? हमारी कितनी कैपेसिटी है वर्किंग करने की, हमारी एंड्योरेंस कितनी है, हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, और इसके द्वारा ही हम फिर उस दिन बताया था जैसे स्किन फोल्ड्स, बॉडी की फैट को भी चेक करते हैं थ्रू द कैलिपर, क्योंकि जितने ज्यादा वी आर हैविंग अ वेट, हाई वेट, उतनी ही हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, रिस्क टू द डिजीजेस या प्रोन टूवर्ड्स द डिजीजेस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है? इसमें हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि इन चीजों में सबसे ज्यादा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल जो है उस पर बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा एज फैक्टर, हेरिडिटरी काउंट है, ठीक है बेटा? उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज करना, एक्सरसाइज करना और फिजिकल एक्टिविटीज में चेंज है, हाथ हिलाना, ये भी सारी फिजिकल एक्टिविटी में आती है। लेकिन विगरस एक्टिविटी करना फिजिकली, वो है अपनी बॉडी में जितना इनटेक करें उससे डबल, जब हम कंजम्पशन से ज्यादा बर्न कर लें तभी हमारी बॉडी जो है वो सेट पर रहती है। और कई बार हेरिडिटरी में आता है, जैसे पंजाबियों को खास है, यानी जो मर्जी खा लो इन्हें कभी मोटे नहीं होना, है ना? और कई बोलते हैं हमें तो पानी भी हवा भी लगती है दोनों, ठीक है बेटा? मेरा पर्सनल कभी भी नहीं होता, किसी भी बच्चे के लिए कभी भी, ठीक है? देखना होता है मैंने सबको, लेकिन मेरा किसी के लिए, हाँ, कोरिलेट हो जाता है कि नजर अपने आप घूम जाती है ना? अब यहाँ ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उनमें सब कुछ, लेकिन ड्यू टू हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। सो सच टाइप्स ऑफ, अगर हम में अवेयरनेस हो तो हम इन चीजों को बहुत अर्ली स्टेज पे अगर समझ लें तो वी कैन मेंटेन आवर बॉडी मच, ऐसी बात नहीं है। और इन दिनों में मैंने जो महसूस किया है, कोविड के बाद जब बच्चे आए हैं तो मैक्सिमम बच्चों का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो चुका है। स्ट्रक्चर इन द सेंस स्किन फोल्ड सबके चेक होने वाले हैं, पैंट से शर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं ना, क्या है रीजन है? वाइस तनु ने क्या कहा? मेरे दिमाग में तो कल जो रिसर्च में बच्चे देखे हैं 5 एक जैसे, उनका सोच रही थी, पर चलो एनी हाउ, सारे नु अपना अपना चढ़ना होता है ना पंजाबी करना, ठीक है? नहीं, मैंने किसी को वो नहीं करना, आई वॉज जस्ट नोटिसिंग, वो भी बेध्यानी में, क्योंकि हम सारा दिन देखते हैं, चलते हैं और बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए। अब ये क्या है, क्योंकि अगर हम पूछें तो पहला आंसर यही था कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई 1.5 साल में, नहीं हुई ना बेटा, कुछ हुई नहीं, कुछ कोशिश नहीं की, दोनों ही चीजें हैं। जितने बैठे रहे और बैठ बैठ के लेट गए, और लेट कर फिर बैठ गए लेकिन उठे नहीं, या हर एक की एकोमोडेशन पे भी डिपेंड करता है बेटा, एरिया कहाँ पर है, बाहर नहीं निकलना रिस्ट्रिक्ट है, कितना एरिया है, अगर हमारे पास इतना ही एरिया है घर में तो उसमें कहाँ पे हमने मूव करना है, सब कुछ, हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुआ ये कि कईयों ने इस ड्यूरेशन में भी वर्कआउट बहुत ज्यादा किया, ठीक है, और कईयों ने इसे एक एक्सक्यूज भी लिया है। जब भी हमने कोई काम करना हो तो उसका एक्सक्यूज अगर लेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा 0 होता है, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटीज में हम अगर घर के सारे काम कर लेते हैं
तो हमारा वेट रिड्यूस भी होता है और हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जोर कितने लाना होता है, कुछ खान पीन तो लग जाता है, कितने काम तो लग जाता है, फर्क है। हाँ, कंज्यूम उससे ज्यादा ही कर लेते हैं क्योंकि सामने मिठाई दिख रही हो। और मैक्सिमम आता था कि ड्यूरिंग कोविड हलवाई बंद से, इस करके कार सारे हलवाई बन गए से, नवी नवी न्यू न्यू डिशेस जो है वो कर रहे थे वहां पर, लगा रहे थे उस पे पोस्ट पे। हाँ, इन्वेंशन है डिस्कवरी, इन्वेंटेड तो ऑलरेडी है, डिस्कवर्ड और बेटर वे से उसको कर रहे थे, ठीक है ना। ये बन रहे हैं किसी के घर में और फोटो ऐसे डाल रहे थे, हाँ वेरी हैप्पी। वहां पे एक बार लिख भी आया था ना, वो पढ़ा था मैंने, कि ये तो ऐसा लगता है कोई फंक्शन आया है, कोविड नहीं, लोग बना बना के ऐसे खा रहे हैं जैसे फंक्शन, ठीक है। गॉड ऐसा नहीं कर रहा। अब कल का हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आते ही किस बच्चे ने बोला कि कल के मैच का सदमा लगा, कल मैच देखा था? व्हाट वाज द मैच? नहीं देखा। चलो क्यों नहीं देखा? ये केड़ा पढ़ाएगा जरा समझ नहीं आता, समझ नहीं आता क्यों दौड़ रहे हैं, एक ही बॉल के पीछे भागी जा रहे हैं। अच्छा मैं तो बोलना फिजिकल का बच्चा है, इतना तो ठीक है। हाँ नहीं पता चलता है, ठीक है। एक चीज है, जब हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ना किसी भी चीज को, जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला कार वाला देखा था ना बेटा, मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि क्या करना, सिर्फ मैंने उनके गियर्स वगैरह या स्पोर्ट्स, धीरे धीरे फॉर्मेशन जो है, जब हम किसी चीज को देखते जाते हैं ना, लर्निंग कब आती है? जब हम बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट तो मुझे लगता है सबसे एक, ये फुटबॉल हॉकी ये तो ऐसी गेम्स है जो तुम्हें इंटरेस्ट क्रिएट करा ही देती हैं। और फिर कल तो बार था, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया हो तो वैसे ही काम सारा ऐसे होता है जैसे पता नहीं लड़ाई शुरू हो गई है। इट्स इंटरेस्टिंग द स्किल्स यू हैव टू नोट। वहां पर कल यही मैच के क्या रीजनिंग थी, हाउ दे प्लेड और क्या चीजें थी, ये बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। हम फिजिकल वाले हैं, हमें तो ये करना पड़ेगा ना, कोई भी डिस्कशन है कि वहां पर हमने क्या चीजों को देखा है, किस चीज की माइनस हुई है, व्हाट वाज द रीजन, कहां पर आईआईटी वालों ने बुमराह की बॉलिंग पर इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी है, उसकी टेक्निक्स को कहाँ पर सिखा दिया, और कहाँ हम कहें कि हमें पता ही नहीं है, और कल वो खेल ही नहीं पाया या नहीं कर पाया 4 ओवर में, तो इट मीन समथिंग। जब मैं क्विज के लिए बच्चों को लेके गई थी ना, तो वहां पर डायग्राम्स जो दिए थे और उसकी पैराबोला, वो सारे उन्होंने कहा था रिकॉग्नाइज करो कि ये किस प्लेयर के, ठीक है, वो था उसमें चॉइस थी और बताना था कि ये किस प्लेयर का है, विदाउट सीइंग एनीथिंग दे जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। इसका मतलब यहाँ तक ये रिसर्च एक है। और अब तो टीवी पर इतना एनालाइज कर लेते हैं और इतनी चीजें टेक्निक्स बता देते हैं विद इन ए, कि कहाँ पर डॉट बॉल्स गई हैं, कहाँ पर है, हर चीज क्लियर है। थोड़ा सा अगर बैठ के हम देखें ना, अगर मोबाइल को छोड़ के उसको देख लें या काम को, तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट पे, सिर्फ इंटरेस्ट इज द मेन थिंग कि हमने किस तरीके से करना है। अब ये सब्जेक्ट भी है, अगर हम फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट देखें ना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, कोई अलग नहीं है उससे चीजें, लेकिन हमें इनकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी कि इस शब्द को हम इस तरीके से यूज करते हैं। पुशअप्स बोल दिया, नहीं पता है। डंड पेल रहे हैं, बिल्कुल पता है, यस मैम ऐसे करके करते हैं, या ये ऐसे करके। नेम्स और टर्म्स चेंज होने के कारण हमें कई चीजों का नहीं पता चलता, ठीक है ना बेटा। ये वाली चीजें नॉर्मल रहती हैं। एनीथिंग? हाँ जी बच्चे, मैच थे बेटे। ये एक और बात बता दो बेटे, आपने मेरे से बहुत अच्छा, वन थिंग बेटे,